हनुमान। माँ देखिए ना, पिताश्री के पाँव में कितने छाले पड़ गए हैं, बहुत पीड़ा हो रही होगी इन्हें। मुझे ज्ञात है हनुमान, जिस प्रकार तुम मेरे लिए कुछ भी करने के लिए सदैव तत्पर रहते हो, उसी प्रकार तुम्हारे पिताश्री ने मेरे स्नेहवश मेरे प्राण बचाने का प्रयास किया, इसीलिए उनके पांव में छाले पड़ गए। किंतु ऐसा क्या हो गया था? ये मतिंग ऋषि के कहने पर चंद्र जल लाने के लिए चंद्रगिरी पर्वत पर बिना पादुकाओं के गए। पिताश्री, आपको तो बहुत पीड़ा हो रही होगी ना? नहीं पुत्र, मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसके कष्ट दूर करने में यदि कोई पीड़ा होती है तो वो भी सुखदायी होती है। तुम चिंता मत करो पुत्र, तुम्हारी माँ ने औषधि लेप लगा दिया है। किंतु पिताश्री, आपको तो पीड़ा हो ही रही होगी ना? माँ आप शीघ्र ही लेप दीजिए, मैं पिताश्री को अपने हाथों से लेप लगाऊंगा। पिताश्री पाँव रखिए यहाँ। पिताश्री, मैं नहीं था ना, इसलिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। किंतु आपने बताया तक नहीं और आप मेरे लिए युद्ध अभ्यास करने लगे। पुत्र हनुमान, माता पिता के लिए संतान के सुख के समक्ष किसी भी पीड़ा का मोल नहीं है। किंतु पिताश्री, आपको कष्ट में देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। ये लो हनुमान, श्री मैं लेप लगाऊंगा तो आपकी सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। मुझे तो असीम सुख की अनुभूति हो रही है पुत्र। माता पिता को सबसे बड़ा सुख तभी प्राप्त होता है जब उसकी संतान उसकी सेवा करती है। पिताश्री, मुझे भी आपकी सेवा करते हुए असीम आनंद का अनुभव हो रहा है। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। सच्चे सुत हैं मारुति धीर, मातु पिता सेवा व्रत वीर। जनक जननी सेवा अनमोल, जग में कौन लगाए मोल। आज्ञा पालन हनुमत धर्मा, सेवा कर्म सुपावन कर्मा। मारुति पुत्र बिरल जग माही, तुम समान सुत को नहीं चाही। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। उस अबोध बालक को तो ज्ञात भी नहीं है कि जिन देवताओं और सृष्टि के लिए उसने बार बार कष्ट सहे, अपने प्राण संकट में डाले, वही देवता उसके विरुद्ध
देव सभा का आयोजन कर रहे हैं। कितने दिनों के पश्चात आज वो नन्हा बालक अपनी माँ के आंचल में सोया होगा। देवराज, उसे पुरस्कार देने के स्थान पर हम उसे दंड देने के लिए विचार विमर्श करेंगे। देव ऋषि, अब आप ही बताएं कि ये कहां का न्याय है। विवशता है नियमों की वायुदेव। काल के नियम बड़े ही कठोर हैं और नियम भंग करने वाला बालक हो या कोई देव, वो नियम अनुसार दंड का भागी तो होता ही है। वो स्वप्न, किंतु पिताश्री तो वैसे भी कष्ट में है, उन्हें स्वप्न के विषय में बताऊंगा तो वो और विचलित हो जाएंगे। मैं स्वयं ही स्वप्न के विषय में समझने का प्रयास करता हूँ। यही है वो स्थान जहाँ से वासुरी छाया आगे बढ़ी थी। नारायण नारायण। देवर्षि। प्रणाम देवर्षि, आप यहाँ? हनुमान, अभी जो कुछ भी घटित हुआ था उससे कुछ परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं तुम्हारे विरुद्ध, जिनका सामना तुम्हें करना होगा पुत्र। प्रणाम देवर्षि, आप किन परिस्थितियों के विषय में बात कर रहे हैं? हनुमान से कोई भूल हुई है क्या? देवी अंजना, अंधकार को दूर करने के लिए ज्योति स्वयं को जलाती है, इसे ज्योति की भूल कहेंगे क्या? ऐसी ही कुछ भूल हुई है हनुमान से, किंतु इसे भूल समझने वाले देवताओं ने हनुमान को दंड देने के लिए देव सभा बुलाई है। क्या भूल कर दी मैंने देवर्षि? हनुमान पुत्र, तुमने सृष्टि की रक्षा करने के लिए काल चक्र को विपरीत दिशा में घुमाया था। जिससे समय असंतुलित हो गया और ग्रह नक्षत्रों की स्थिति परिवर्तित हो गई, यही भूल थी तुम्हारी। देवर्षि, कालदेव भी मुझसे इसी बारे में कुछ इंगित कर रहे थे, किंतु कोई बात नहीं, मैं अपनी भूल को सुधारने का प्रयास करूंगा। इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए कालदेव ने देव सभा बुलाई है। उनका मानना ये है कि तुमने उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया है। पुत्र हनुमान, भूल चाहे अज्ञानवश ही हुई हो, किंतु उसे सुधारने का प्रयास तो करना ही चाहिए, और साथ ही क्षमा प्रार्थना करने से दोष का मार्जन भी हो जाता है, इसीलिए तुम्हें काल देव से क्षमा अवश्य मांगनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगा और प्रयास करूँगा कि ग्रहों की स्थिति भी ठीक कर पाऊँ। हनुमान, ये जान लो पुत्र कि देवता जब रुष्ट हो जाते हैं तो अनिष्ट की संभावनाएं बढ़ जाती है, उचित होगा कि तुम अविलंब जाकर स्वयं ही देव सभा में उपस्थित हो जाओ। आरोपी के स्वयं उपस्थित हो जाने से भी दंड प्रक्रिया में उदारता से निर्णय लिया जाता है। किंतु वहाँ कोई? माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। आप केवल मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है। अपना ध्यान रखना पुत्र। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। आज्ञा दे माँ।
नक्षत्र तो यही है, किंतु मुझे तो ज्ञात ही नहीं है कि इनके पूर्व की स्थिति कैसी थी। अब मैं कैसे इनकी स्थिति ठीक करूंगा? ये लो जल से भरा पात्र। इस जल से भरे पात्र को लेकर तुम्हें संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा करनी है, और ये स्मरण रहे कि परिक्रमा लगाते हुए तुम्हें मार्ग में जितने भी उल्का पिंड मिले तुम्हें उनकी गणना करनी है। गुरुदेव सूर्यदेव, शिक्षा ग्रहण करते हुए मैंने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया था। उस समय को स्मरण करना होगा, तो ही मैं इन सारे ग्रह नक्षत्रों की स्थिति ठीक कर पाऊंगा। अब मुझे ग्रहों का ज्ञान दीजिए। तो ये है ग्रह नक्षत्र की स्थिति, किंतु आज की स्थिति? अब पूर्व की स्थिति और आज की स्थिति की तुलना करता हूँ। अब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पूर्ववत हो जाएगी। हनुमान, तुमने मेरे बुध ग्रह को पुनः अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया है, तुम्हें धन्यवाद। क्षमा करें बुध देव, तुमने मेरे ग्रह की स्थिति को ठीक किया है। हनुमान, तुम तो आशीर्वाद के पात्र हो, क्षमा क्यों मांग रहे हो? बुध देव, मेरे कारण आपके ग्रह नक्षत्र की स्थिति परिवर्तित हो गई थी, इसीलिए क्षमा प्रार्थना कर रहा हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय बजरंग ज्ञान के सागर, तब विवेक से सृष्टि उजागर। अर्जित ज्ञान सकल अपनाते, सृष्टि को मंगलमय बनाते। अपनी भूल सुधार करे जो, सच्चा पीर कहे जग उसको। महाविनम्र महाबलशाली, मारुति महिमा जग से निराली। हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भूल तो सबसे होती है, किंतु महान वो होता है जो अपनी भूल को स्वीकार करता है, जो अपनी भूल से उपजी हुई विसंगतियों का शमन करने का प्रयास करता है। अपनी भूल के लिए विनम्रता के साथ क्षमा मांगने वाला व्यक्ति दुर्बल नहीं, साहसी होता है। क्योंकि क्षमा मांगने का साहस सब नहीं कर पाते हैं। भूल करने से उत्पन्न हुई विसंगतियां कभी कभी बड़े अनर्थ का कारण बन जाती हैं। अतः यदि कोई भी भूल हो तो शीघ्र ही उसे स्वीकार करके उसका निवारण करना चाहिए। प्रणाम काल दूतों, मैं केसरी नंदन अंजने पुत्र हनुमान हूँ, पृथ्वी लोक के सुमेरु से आया हूँ। मुझे कालदेव से भेंट करनी है। हनुमान, अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? पहले तो तुम्हारे पास कालदेव के लिए समय ही नहीं था। मुझे क्षमा करें चित्रगुप्त जी, उस समय मुझे मेरी माँ का वचन एवं व्रत भी पूर्ण करना था, और मैंने कालदेव से ये भी कहा था कि मैं वापस आऊंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा। किंतु वो यहाँ नहीं है, तुम्हें देव सभा में मिलेंगे जो उन्हीं ने आयोजित की है।
तुम्हारे विरुद्ध विचार विमर्श करने के लिए सभी देवता वहाँ पहुँच गए होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं कालदेव? देव उचित कार्य किया है हनुमान ने, उसके प्रति इतनी कठोरता उचित नहीं है। नियमों का पालन कठोरता से ही करना चाहिए देवराज इंद्र। आपने भी एक समय हनुमान को कठोर नियम से बांध कर रखा था जब उसकी मां स्वर्ग में आ गई थी। अपराध के निर्णय में भावुकता का कोई स्थान नहीं होता। अब तो उसका निर्णय न्याय सभा में ही किया जाएगा। उसने अपराध किया है तो दंड तो उसे भुगतना ही होगा। हनुमान ने नियम तोड़ा है, उसे दंड तो मिलेगा ही। प्रणाम देवगणों। कल्याण वस्तु। प्रणाम कालदेव। हनुमान, तुम्हारा स्वागत है सभा में। क्षमा करें देवराज इंद्र, हनुमान इस समय अतिथि नहीं आरोपी है, आप उसका स्वागत कैसे कर सकते हैं? कालदेव, देव, आपका रुष्ट होना तो स्वाभाविक ही है। मैं आपसे क्षमा मांगने ही आया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। देव, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं अपराधी हूँ, किंतु मैंने सृष्टि की रक्षा के लिए ये सब किया। मुझे ज्ञात है कि तुमने सृष्टि को बचाने के लिए अज्ञानवश ये सब किया है। कालदेव, भले ही अज्ञानवश हनुमान से सृष्टि के नियम भंग हुए हैं, किंतु हनुमान का कार्य परोपकार की श्रेणी में आता है और परोपकार के लिए पुरस्कार दिया जाता है, दंड नहीं। हनुमान ने क्षमा प्रार्थना कर ली है कालदेव, आपको हनुमान को भी क्षमा कर देना चाहिए। आप मुझे क्षमा कर देंगे ना कालदेव? हनुमान, सृष्टि को बचाने की प्रक्रिया में सृष्टि का नियम भंग हुआ है, और यदि नियम भंग करने वाले को यूं ही क्षमा मिलती रही तो अराजकता फैल जाएगी। नियम का पालन कोई नहीं करेगा। पुत्र कालदेव, सृष्टि की रक्षा करने में आप भी असमर्थ रहे थे। हनुमान ने जो भी किया है वो परिस्थिति के अनुसार उचित था। नहीं पिताश्री, वो उचित नहीं था। हनुमान ने काल के कार्य में हस्तक्षेप किया था। काल चक्र विपरीत दिशा में घूम रहा था, ग्रह नक्षत्र की स्थिति परिवर्तित हो गई थी। कालदेव, जिन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति प्रभावित हुई थी उन्हें मैंने यथावत कर दिया है। उनकी स्थिति को ठीक करके तुम क्षमा के पात्र नहीं हो जाते हो हनुमान।